नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है शताब्दी सपोर्ट। दोस्तों ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक ये रीज़न है कि इस वीडियो में मैं आपके बहुत से क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जो कन्फ्यूज़न मेरे पास आप लोग कॉल्स करते हैं कि प्लांट्स कितने लगाए जाने चाहिए, एक एकड़ में कितनी डिस्टेंस पे लगाए जाने चाहिए, फिर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कितना माल पैदा होगा, ज़्यादा दूरी पे लगाने से ज़्यादा कुछ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये जो सतावर आप देख रहे हैं, अभी मार्च का महीना है, और मैं पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि मार्च के महीने में ही हम इसका प्रोसेस कराते हैं। 18 महीने पुरानी ये सतावर हो गई है। आप इसको देख सकते हैं कि ये सिस्टम से सतावर की गई है। आप इसको देख सकते हैं, एकदम ग्रीन खेत है ये। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ जो इसकी डिस्टेंस है ना, वो भी ये एक प्लांट आपका यहाँ पे है, एक प्लांट ये आपका यहाँ पे है। ये जो मैंने आपको पहले दूरी बताई थी, प्लांट टू प्लांट आपकी 2 फिट और लाइन टू लाइन आपकी 2.5 फिट, इस दूरी के हिसाब से ये पूरा प्लॉट हमारा है। अब जो आपका ये क्वेश्चन आता है कि ये दूरी कम है, इस दूरी को कम जो लोग बताते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये दूरी कैसे कम नहीं है, क्योंकि जो जड़ बढ़ेगी उसका एक साइज़ रहता है मैक्सिमम, वही मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट है, ये पूरा हमारा अभी खुदाई का काम चल रहा है। इसमें आप यहाँ पे देखिए, इस प्लांट से लेके इस प्लांट की दूरी सिर्फ और सिर्फ 2 फिट है। अब मैं आपको यहाँ ये दिखाऊंगा कि इसकी जड़ कितनी अधिकतम बढ़ सकती है। ये जो प्लॉट है हमारा, ये सुपर प्लॉट जो होते हैं उसमें इसकी गिनती है। अब आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसको पहले काटा जाता है। कांटे होने की वजह से पहले इसको डंडे से झुका के और इसको किसी भी तेज धार वाले उससे काट लिया जाता है। पेड़ को काटने के बाद में इसको इस तरीके से निकाला जाता है। उठाए झाड़ दे से एक बार गोल करके। ये जड़ हमारी यहाँ से निकली है। अभी मैं आपको इसका वेट भी करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रैक्टिकली निकलता कितना है, ये भी दिखाऊंगा इसमें। पहले तो आप ये देखिए, इस टाइप के औजार से हम इसको निकालते हैं, इसको कुदाल भी बोलते हैं बहुत से लोग। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि इसमें वेट कितना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांटा 0 है। इसमें 6 किलो 500 ग्राम, 6 किलो 400 ग्राम तक की जड़ी दिखाई जा रही है। ये हमको 6 किलो 400 ग्राम की जड़ एक पौधे से प्राप्त हुई है। दोस्तों इसमें कचरा भी रहता है, जैसे ये ऊपर की लकड़ी हुई, ये साइड के ये चीज़ें हुई, ये सब को हमको कटिंग करना है। जो हमारा फ्रेश मटेरियल आता है
वो ये है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जड़ की मोटाई कितनी है, इसमें जो फिंगर्स हैं उसकी कितनी मोटाई है। साथ ही साहब अब ये आप देख लें कि जो डिस्टेंस है वो हमारी एकदम ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लांट हमारा दूसरी जड़ से ज्वाइंट नहीं है। अगर हम इसको कितनी भी दूरी पे करेंगे तब भी फिंगर इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी नेपाली सतावर में। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से कटिंग की जाती है और इस जड़ से हमें कटिंग के बाद में कितना कच्चा माल तैयार मिल रहा है, निकल रहा है इस जड़ में। ठीक है सर, इसको इस तरीके से पहले फाड़ा जाता है, अब ये जड़ कटने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं फिर से जीरो है, रखो इस पर। यहाँ एक जड़ से हमें 5 किलो माल प्राप्त हो रहा है। ये कंप्यूटर काटे की वजह से इसमें थोड़ा सा ये अप डाउन हो रहा है। आप यहाँ देख 5 kg 6 किलो 400 ग्राम में से आपके लिए पूरा 5 kg यहाँ बचा है। यहाँ आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं, दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस प्लॉट में जो ये मैंने आपको जड़ अभी निकाल के दिखाई थी, ये एक एवरेज वीडियो जड़ है। इस जड़ से बड़ी भी इसमें है जड़ें और छोटी भी हैं, तो एक इसका फिर भी हम इसका एक एवरेजन इसको लगभग इस प्लॉट का 4 kg से लेके 4.5 kg तक का एवरेजन मान सकते हैं। दोस्तों ये जो कुछ मैंने अभी आपको दिखाया ये सारा प्रैक्टिकली है। मैंने आपको इसमें ये भी दिखा दिया कि अगर ज़्यादा दूरी पे प्लांट रखेंगे तब भी इसकी जड़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों के कन्फ्यूजन से बच के प्रैक्टिकली आपको जो भी हमसे क्वेश्चन करने हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसका हम आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।